नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सोनभद्र में हुए नरसंहार के पीड़ित आदिवासी परिवार से मिलने से रोकने के विरोध में ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस नेता धरने पर बैठे। मुरैना में अंबाला जिला में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। 2017 में 20 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध में नर्सिंग की छात्रों ने मोती महल पर घेराव कर प्रदर्शन किया। और मुनिषी संस्कार सागर महाराज के 4 माह चतुर्मास के लिए मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम नई सड़क स्थित चंपावाग धर्मशाला में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। मुरैना के आबकारी ठेकेदार के 7 वर्षीय भतीजे विष्णु तोमर का अपहरण का मामला सामने आया है। हालांकि विष्णु सकुशल अपने घर पर पहुंच गया है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। मुरैना में आबकारी ठेकेदार का 7 वर्षीय भतीजा विष्णु तोमर स्कूल के लिए घर से तो निकला, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। वहीं स्कूल वाहन चालक के मोबाइल पर विष्णु को लेकर एक धमकी वाला फोन भी आया कि वह आज स्कूल नहीं पहुंचे। इस फोन के बाद से ही स्कूल वाहन चालक व परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन शाम होते होते विष्णु बैरियर इलाके में मिल गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्कूल वाहन चालक के पास फर्जी फोन आया कि विष्णु आज स्कूल नहीं आएगा। इस पर विष्णु के पिता से बात करने की बात कही। पिता का फोन 12 बजे आया। विष्णु ने कहा तो उसने कहा कि हमने पूरी घटना बताई। इसके बाद से विष्णु को ढूंढना शुरू किया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। फर्जी फोन को भी पुलिस को दिया गया नंबर। इसके बाद विष्णु तो मिल गया, लेकिन कहाँ और किसके साथ वह गया था यह पुलिस ही बता सकती है। दीनदयाल मिश्र, क्या काम था? गाड़ी पे। तो आज सुबह बच्चा जब स्कूल पढ़ने गया तो आपके पास किसी तरह का फोन आया? फोन आओ 7:30 बजे। पहले तो आओ 7 बजे मिली की घर से कि कितने बजे गाड़ी आ गई। मैंने 1 घंटा लेट आ गई। मिले की तो ठीक है, अब तो थोड़ा ही टाइम हो। मैंने नहीं, अब 1 घंटा 7 बजे ले देर पीछे जो गाड़ी निकाल हुए चले गए। मैं बाहर खड़ा हूँ तो वो गाड़ी आई जिनकी मोटरसाइकिल बाप बैठे तो फोन आए कि वो मैं विष्णु का बड़ा भाई बोल रहा हूँ और वो आज नहीं आएगा। मैंने क्यों, बाकी ऊपर तो गाड़ी जा रही है कि वो पापा का काम से फोन आया है इसलिए हम काम जा रहे हैं। मैंने तो पापा से जरूर बात कराई। मैंने ये बोला उससे कि पापा से बात करा दीजिए, मेरे पास नंबर नहीं है, उनके पास मेरा नंबर है। बस ये बात हुई। फिर हम वहाँ पहुँचे गाड़ी पर, गाड़ी स्टार्ट करी, दूसरा बच्चा हो तो वो को फोन लगा वाले कि मैं ना जाए। फिर हमने सुपरवाइजर को फ़ोन करो। माँ सुपरवाइजर ने कही कि तो आप काम चले, बस बंद करके गाड़ी हो काम चले। अभी ये एक राजा परमार हैं, उन्होंने आवेदन दिया था कि एक बच्चा उनके परिवार का, उनके साले का बेटा है जो उन्हीं के साथ रहता है, तो वो करीब 8 साल का है, वो आज स्कूल नहीं गया। तो उसके बाद जब वापस उससे उन्होंने पूछताछ करी, स्कूल से वापस आ जाना चाहिए था, तो उन्हें डाउट हुआ। तो उन्होंने अपने जो स्कूल के ड्राइवर से बात करी तो ड्राइवर ने बोला कि आज बच्चा आया नहीं। तो फिर इनिशियली, और उसने ये भी बताया कि एक नंबर से फ़ोन आया था जिसने बोला था कि आज बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तो उस पर डाउट किया। तो अभी हमने उसमें वेरीफाई कर रहे हैं कि किसका फ़ोन लिया था, क्या था, और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आगे देखते हैं। बच्चा, हाँ अभी बच्चा कस्टडी में आ चुका है हमारी में, अब हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कैसे मिला हमारे से? हाँ, इसमें हम डिटेल्स जो हैं आपको बाद में बताएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सोनभद्र में हुए नरसंहार के पीड़ित आदिवासी परिवार से मिलने से रोकने और चुनार में रखने को लेकर प्रदेश भर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार द्वारा सोनभद्र में किए गए नरसंहार के पीड़ित परिवारों से शोक संवेदना व्यक्त करने जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में फूलबाग चौराहे पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में काली पट्टी बांधकर विशाल धरना दिया गया। धरने की समाप्ति के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा के कारण अपराध प्रदेश बन चुका है। आदिवासियों की भूमि पर भाजपा के भू माफियाओं को कब्जा कराने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी के कहने पर सोनभद्र में आदिवासियों का नरसंहार करके भाजपा ने मानव विरोधी तानाशाही रूप अपनाया है। इन आदिवासी पीड़ित परिवारों से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यूपी पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके रेस्ट हाउस में नज़रबंद करके बिना कानून के जो कृत्य किया है उसका भुगतान भाजपा को भुगतना पड़ेगा। भाजपा इस नरसंहार में दोषियों को बचाने के लिए लगी हुई है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सोनभद्र के आदिवासियों के साथ खड़ा हुआ है।
आज का धरना दो प्रमुख कारणों की वजह से दिया जा रहा है। जहां भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो आज जब बजट प्रस्तुत किया, बजट में जो है मध्य प्रदेश की जनता को जो बजट मिलना चाहिए था उसमें भी कटौती कर ली गई, 2677 करोड़ रुपए की कटौती की, जबकि मध्य प्रदेश से इनके 28 सांसद जीत के गए, केंद्र सरकार में वो बैठे रहे, एक भी सांसद एक शब्द नहीं बोला। ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश की जनता का क्या होगा, जिनने जिस विश्वास के साथ इनको चुन के भेजा था वो भाजपा के सांसद एक भी एक शब्द नहीं बोले और चुपचाप बैठे, जबकि मध्य प्रदेश का जो है बजट कम हो गया लेकिन उनने किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आज जो है जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेके कांग्रेस आज ये धरना दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में जो नरसंहार हुआ, गरीब आदिवासियों को, 11 आदिवासियों को उस नरसंहार में 2 घंटे गोली चली और 11 आदिवासी मारे गए, 26 आदिवासी बच्चे और महिलाएं आज एडमिट हैं। उनसे संवेदना व्यक्त करने के लिए जब प्रियंका गांधी जी हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जा रही थी, उनको भी संवेदना व्यक्त नहीं करने दी जा रही। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह से इनकी जो कार्रवाई है उसका हम लोग सब कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं और काली पट्टी बांध के जितनी निंदा की जाए इस भाजपा सरकार की उतनी निंदा करेंगे हम लोग। हम लोग सड़कों पे आके इस लड़ाई को लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी जेल भरेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बीच सत्र में 20 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध में नर्सिंग के छात्रों ने मोती महल का घेराव का प्रदर्शन किया। पैसा तो मैंने दी, वो बच्चा को कैसे कैसे नर्सिंग छात्र संगठन लोग पीछे का दौड़ से धंधे के लिए आज अंदर जाएंगे जब सही घर को जीवन खराब हो रहा है। मेरा नाम अनिल जाट है और हमारी समस्या यही है, जिन बच्चों की एग्जाम नहीं हो रही है उन बच्चों की एग्जाम कराइए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
अपनी मान्यता को लेके? मान्यता सर, ये मान्यता का लेवल है, वो कॉलेज का और सरकार का लेवल है, बच्चों का लेवल नहीं है। बच्चों ने जब एडमिशन लिया था तो नेट पर देख करके लिया, जिन कॉलेजों की मान्यता थी उन कॉलेजों में एडमिशन लिया बच्चों ने, उनकी क्या गलती है? तो अब क्या किया है? अब कुछ नहीं किया है, मान्यता नामांकन भी नहीं हुआ है। बच्चे परेशान हैं, बच्चे बेचारे बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, गरीब परिवार से हैं, बच्चे रो रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, और क्या करेंगे सर? क्या अभी एडीएम क्या बोला है? सर ने बोला कि हम आगे बात करेंगे, आश्वासन दिया है। इस प्रकार से हमें आश्वासन बहुत समय से मिल रहा है। मुरैना के अंबा में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की, अमानक सामग्री को जब्त किया। एसटीएफ ग्वालियर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम व एसडीएम अंबा ने अंबा की पेंट खंडेश्वर डेयरी पर शुक्रवार को छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने डेयरी से सैंपल लिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी कर रही है। टीम को डेयरी पर भारी मात्रा में ऐसे केमिकल व सामग्री मिली जिसका उपयोग नकली दूध व दूध के उत्पाद बनाने में उपयोग होता था। कार्रवाई की खास बात यह थी कि इस बार ग्वालियर की एसटीएफ टीम इसमें शामिल रही। बताया जाता है कि किसी ने एसटीएफ ग्वालियर को डेयरी में हो रही मिलावट के बारे में शिकायत की थी। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ग्वालियर खाद्य सुरक्षा की टीम व एसडीएम अंबा ने बनखंडेश्वर स्थित डेयरी पर छापा मारा था। छापामार कार्रवाई के दौरान टीम को मौके पर 2 लीटर दूध मिला। यह दूध मिलावटी था, इसलिए टीम ने इस दूध को नष्ट करा दिया। साथ ही डेयरी में कास्टिक सोडा, 50 किलो सोडियम सायोथलपेट, 20 लीटर शैम्पू जैसा द्रव्य व हल्का पीला द्रव्य मिला। टीम ने मौके से दूध सहित अन्य पदार्थों के 8 सैंपल लिए हैं। बताया जाता है कि इस सामग्री से नकली दूध डेयरी पर तैयार किया जाता था। फूड सेफ्टी अफसर डीके जैन के अनुसार डेयरी किसी देवेंद्र गुर्जर की है। डेयरी संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा टीम ने कस्बे की अग्रवाल डेयरी से भी सैंपल लिया है। एसटीएफ पुलिस से सूचना मिली थी कि एक जगह नकली बनाने की फैक्ट्री चल रही है, तो एसटीएफ की टीम और हमारी टीमों ने और साथ में फूड एंड ड्रग की टीम ने कार्रवाई की और आज अंबा के निकट एक फैक्ट्री भी छापा मारा जिसमें कि बड़ी मात्रा में दूध बनाने चीज़ें बरामद की है, जिसमें वो सारा दूध नकली था, जिसमें शैम्पू सिंथेटिक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई, नुकसान कर रहा है, उस पर हमने कार्रवाई की, सैंपलिंग कर ली। सर ये पहले से ही डेयरी चल रही थी, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है जिससे इतनी बड़ी मात्रा में ये खाद सामग्री? जैसे सूचना मिलती है वैसे हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इसमें लेट हुई तो इसके हम संबंधित नोटिस जारी करेंगे। इसमें सर कोई मैनेजर मिला है मौके पर, चूँकि मालिक मौके पर उपस्थित नहीं था, प्रकरण पंजीकृत किया जाएगा, पुलिस प्रकरण भी पंजीकृत होगा। मालिक का क्या नाम था? देवेंद्र गुर्जर करके बताया गया। मुनिश्री संस्कार सागर महाराज के 4 माह चतुर्मास आराधना तप ज्ञान के लिए मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम नई सड़क स्थित चंपावाग धर्मशाला में आयोजित किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन आदर्श कलम ने बताया कि मुनिश्री संस्कार सागर महाराज के 4 माह चतुर्मास आराधना तप ज्ञान के लिए मंगल कलश की स्थापना कार्यक्रम 20 जुलाई शनिवार को प्रातः 8:30 बजे से नई सड़क स्थित चंपावाग धर्मशाला में बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। महिला ने सुबह मंगल कलश शोभा यात्रा दानौली चंपावाग जैन मंदिर से निकाली, जो मुख्य मार्ग से होती हुई कार्यक्रम स्थल पहुंची। महिलाओं ने डांडिया का स्वागत गेट बनकर एवं जय घोष बेट से मुनिश्री की आगवानी कार्यक्रम स्थल पर धूमधाम के साथ की गई। मंगल कलश स्थापना के कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री विराग सागर महाराज के चित्र का अनवरण, दीप प्रज्वलित, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट आरती एवं मुनिश्री के मंगल प्रवचन हुए। चतुर्मास कलश स्थापना में आगरा, भिंड, इंदौर, आगरा, झांसी, बवीनार, मुरैना, डबरा आदि जगहों से गुरु भक्त पहुंचकर श्रीफल भेंट किए। मंगल कलशों को प्राप्त करने का सौभाग्य प्रथम कलश निर्मल जैन ग्वालियर, दूसरा कलश राजेश जैन एवं तीसरा कलश सुरेंद्र नीरज पांड्या को प्राप्त हुआ।
आरसीबी यादव ने रेत माफिया पर नकेल कसते हुए जोरावा बागछीनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डंप करके रखी गई अवैध रेत को जब्त किया है। हाँ, ये हमारे बागछीनी थाने का केस है। यहाँ पे जलाना गाँव पड़ता है, तो वहाँ पे सूचना मिली थी कि किसी जगह इलीगल तरीके से रेत डंप हो रखा है। तो एडिशनल एसपी के लीडरशिप में एक टीम गठित की गई और उनको दबिश दी गई। तो वहाँ पे उस समय 9 या 10 ट्रक मिले हमें जिसमें रेत भरा हुआ था और बाकी जो डंप था उसकी हम जाँच करवाएंगे कि जिसके यहाँ डंप कर रखा था उसको कोई लीगल परमिशन थी या नहीं। हाँ, जिसमें मैंने बताया कि करीब 9 या 10 इसमें ट्रक जो है वो हमारे द्वारा जब्त किए। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी के पर्यवेक्षण में चल रहे दस्तक अभियान के अंतर्गत एक 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने लगभग 24 बच्चों के लिए रक्तदान किया। इस दौरान 108 के नोडल अधिकारी आईपी निवारिया भी मौजूद रहे। कांग्रेस के राज में प्रशासन किस तरह निरंकुश हो गया है, इसकी वानगी केलारस में देखी जा सकती है, जहां बिजली विभाग के कर्मचारी रविन्द्र धाकड़ की पिटाई गोपी बंसल ने कर दी और पुलिस ने भी इस संबंध में कोई खास कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस के राज में प्रशासन किस तरह निरंकुश हो गया है, इसकी वानगी अगर देखनी है तो पुलिस थाना कैलारस में बिजली विभाग के कर्मचारी रविन्द्र धाकड़ जो मीटर रीडिंग लेने गोपी बंसल के घर गया तो उसके साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी। जब इस पूरे मामले की शिकायत करने बिजली विभाग के सहायक यंत्री मुकेश जाटव अपने विभाग के कर्मचारी रविन्द्र धाकड़ से हुई मारपीट के मामले को दर्ज करवाने थाने पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद आरोपी गोपी बंसल और उसके दोनों पुत्र थाना प्रभारी के कक्ष में ही सहायक यंत्री मुकेश जाटव से जाति सूचक गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी सरेआम दे रहे थे। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा चुप्पी साधे हुए मुखदर्शक बने हुए अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। थाना प्रभारी के सामने ही आरोपी गोपी बंसल और दोनों पुत्र और पुत्रों ने सहायक यंत्री मुकेश जाटव को धमकाते हुए लाश बिछाने और बाजार बंद करने की धमकी देते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है कारण कि थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा चुप्पी साधे हुए नजर आए। कैलारस नगर में गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आते दिख रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा तो अराजकता का माहौल निर्मित होना निश्चित है। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो फुटेज के बाद पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव कैलारस थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा पर क्या कार्रवाई करते हैं। तो क्या हुआ, आपका नाम क्या है और क्या करते हो आप? रविन लागा। क्या काम करते हो? बिजली घर में। क्या हुआ आपके साथ? जी, हमें तो बंसल गोपी बंसल के द्वारा मतलब मारपीट की गई थी कल दोपहर बिल वितरित करते समय मीटर रीडिंग लेने। क्या करने गए थे आप? मीटर की रीडिंग और बिल वितरित कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? बस ऐसी गाली गलौज करी और मारपीट कर दी और कट्टा लगा के जान से मारने की कर दी। मतलब तीनों लोग आ गए थे? और उसके बाद भी कोई धमकी वगैरह आपको? हाँ, कट्टा लगा के जान से मारने की धमकी दी गई। आप अपना काम करने गए थे? हाँ, मैं तो अपना काम कर रहा था। नहीं तो उनकी विवाद किस बात पे हुआ? कुछ नहीं, बिल हो गया, 1.25 लाख का बिल हो गया। वो उनका कहना था कि मतलब मेरे आने के बाद ये बिल हुआ है, पहले नहीं सही आ रहा था। मैंने आप देख लो, आप जला रहे हो जो भी, आपको मीटर घर पे लगा हुआ है। अभी कितना बकाया है इन पर बिजली का बिल? 1,14,000। तब से भरा ही नहीं है इन्होंने? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया जब से भरा ही नहीं है। तो क्या मशीन चलाते हैं? हाँ, स्पेलर है, वो मशीन है, चक्की है, वो मसाले पीसने की मशीन है, स्पेलर है तेल का। अब आप कहाँ आए हुए हो?
कहाँ रिपोर्ट करने आए हो? थाने में। एक्सवर्ड एम्बुलेंस क्रमांक MP02AV6370 के कर्मचारियों ने मानवता का परिचय देते हुए ट्रेन से गिरे व्यक्ति की जान को बचा लिया। क्या ब्लड उसका ना वो सूख गया उसका उसे जीएच में बुलवा भैया चल ये कर रही जल्दी आ रहा भैया ऑक्सीजन मशीन खोल मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सोनभद्र में हुए नरसंहार के पीड़ित आदिवासी परिवार से मिलने से रोकने के विरोध में ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस नेता धरने पर बैठे। मुरैना में अंबाल जिला में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। 2017 में 20 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध में नर्सिंग की छात्रों ने मोती महल पर घेराव कर प्रदर्शन किया। और मुनिश्री संस्कार सागर महाराज के 4 माह चतुर्मास के लिए मंगल कलर स्थापना कार्यक्रम नई सड़क स्थित चंपावाग धर्मशाला में आयोजित किया गया। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।